और अब रुक करते हैं पंचकुला से आ रही बड़ी खबर का। पंचकुला से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। पंचकुला में रोजगार मेले का आयोजन, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पहुंचे हैं पंचकुला। पंचकुला में मंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। पीएम मोदी वर्चुअली 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। तो पंचकुला में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा और इसमें शिरकत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पहुंचे हुए हैं। उनकी तरफ से नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इसमें जुड़ेंगे कार्यक्रम में और 71,000 युवाओं को वो नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता तारा ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। तारा, जरा जानकारी दें, आज एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर रोजगार मेले का पंचकुला में आयोजित होने वाला है और केंद्रीय राज्य मंत्री पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री इसमें वर्चुअली जुड़ेंगे, तो क्या कुछ यहाँ पर अहम रहेगा और कितने बजे कार्यक्रम शुरू होगा और कौन कौन इसमें शामिल होगा? कार्यक्रम जो है शुरू हो चुका है। देश के विभिन्न राज्यों में रोजगार मेले का जो है आयोजन किया जा रहा है, उसी के तहत देश के प्रधानमंत्री जो 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र जो है वितरित करेंगे, इसी के तहत पंचकुला में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पंचकुला के सेक्टर 23 में इंस्टीट्यूट में जो है कार्यक्रम रखा गया है और केंद्रीय बिजली राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, सांसद रतनलाल टारिया और अन्य लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पर भी रोजगार मेले के तहत युवाओं को और नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। जिस प्रकार से भारत सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनके प्रयास है कि रोजगार जो है युवाओं को दिया जाए, उसी के तहत बड़े स्तर पर देश भर में रोजगार मेला का जो है आयोजन किया जा रहा है। उसी के तहत पंचकुला भी जी, शुक्रिया तारा ठाकुर, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो पंचकुला में रोजगार मेले का आयोजन, इसमें केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पहुंचे हैं।